हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन पाठशाला। मैं रुशाली, पैशन पाठशाला जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, मैं वहां आपका स्वागत करती हूं। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा फेसबुक पेज है पैशन पाठशाला का, आप यहां भी जाके हमारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। एंड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग टारगेट एसएससी सीएचएसएल को लेके चल रहे हैं 2019 की, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और बहुत जल्द भी फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो उस पर हम जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, तो उसका हम टायर फर्स्ट में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो उसके पिछले साल जो प्रीवियस ईयर में 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके। तो ये हमारा पार्ट 11 है। इस पर हम पिछले साल जो 2018 में 14 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, आफ्टरनून में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, तो वो वाला पेपर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि और देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस से लेकर किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत कवि राजशेखर डैस दरबार में रहते थे। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं महीपाल फर्स्ट, धर्मपाल भोज, देवपाल सेकेंड। किस दरबार में रहते थे? तो हमारा है महीपाल फर्स्ट, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अंतरपर्वती पठार का उदाहरण नहीं है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, बोलीविया का पठार। तो हमारा जो राइट आंसर है कि जो उदाहरण नहीं है इसमें, वो है पेटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावा नदी किसकी सहायक नदी है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं नर्मदा, तापी, चंबल, यमुना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है क्या है? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य डैश है, कॉफ़ी का जो अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तुम्हारा राइट आंसर जो है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीदार का बाजार उस स्थान को दर्शाता है जहाँ डैश, हमारे ऑप्शन दिए हैं मांग आपूर्ति से अधिक है, मांग आपूर्ति मांग से अधिक है, प्रतिस्पर्धी दरों पर वस्तुएं उपलब्ध हैं, मांग और आपूर्ति बखूबी संतुलित है। तो इसमें कौन सा सही है, क्या दर्शाता है? जहां आपूर्ति मांग से क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया है? हमारे ऑप्शन दिए हैं बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो किसके शासक में होता? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस दिशा में पाकिस्तान स्थित है? हमारे ऑप्शन दिए हैं पूर्व, पश्चिम, पूर्व उत्तर, पश्चिम उत्तर। तो भारत की किस दिशा में है? तो पश्चिम उत्तर में क्या है, पाकिस्तान स्थित है। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में निम्नलिखित में से किसे हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं सलीम खान, जावेद अख्तर, नाना पाटेकर, महेश भट्ट। तो हमारे जो राइट आंसर है वो किसे सम्मानित किया गया था, तो वो थे हमारे जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इंडोनेशिया, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया। तुम्हारा जो राइट आंसर है वो है हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, तो परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो हमारी कितनी होगी, तो हमें निकलने के बाद जो आएगी वो हमारी होगी 10 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना में यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका अर्थ है कि क्या अर्थ निकलता है इसका? कि ऑप्शन दिए हुए हमारे, भोजन पूरी तरह पक्का नहीं है, नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसमें कौन सा सही है? तुम्हारा जो इसका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए हमारी जो बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं बर्तन, उसकी जो बाहर की तली है, बाहर का भाग, इसलिए वो काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यस्से अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए या किया जा सकता या सकते हैं? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उत्प्रेक्षण, निषेध, बंदी प्रत्याचीकरण। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है।
तो हमारा केवल थर्ड वाला आंसर इसमें क्या है, सही है, बंदी प्रत्याक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के एपिथीलियम पी ऊतक वृक्कीय नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं जहां ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा हमारा सही है आंसर, वो है घनाकार एपिथीलियन, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियां डैश कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती हैं, किससे, ऑप्शन देख लेते हैं, पेक्टिन, सुवेरिन, सेलुलोज, काइटिन, तो किससे बनी होती है, काइटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर के आसपास होने वाले जेमिनिड उल्का बौछार प्रदर्शन जिस क्षुद्र ग्रह के कारण होता है उसका नाम क्या है, तो देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन दिए हैं 3 जूनो, 3200 फैथोन, 511 डेविडा, 5200 यूरोपा, तो हमारा क्या नाम है, हमारा जो है वो है 3200 फैथोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में ग्राहक जड़क कोयला वितरण ऐप जिसने लोकार्पित की थी जिसका उद्देश्य कोल इंडिया लिमिटेड के ग्राहकों को लाभान्वित करना है, हमारे ऑप्शन दिए हैं आरके सिंह, सुरेश प्रभु, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, तो क्या थे हमारे, कौन थे, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, अक्टूबर 2017 में आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए से अधिक कुल अनावृत्ति वाली कंपनियों के लिए डैश को अनिवार्य बनाने की योजना बना रहा है, कौन सी, ऑप्शन देख लेते हैं, तो कौन सा था, तो हमारे जो सही आंसर है वो है लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर 8 Nm बल लगाया जाता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, ज्ञात करें कितना, तो जब त्वरण इसका निकालेंगे तुम्हारा जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा कितना, 4। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो अभी मैं क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी जब जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कवर करेंगे, ये तो प्रीवियस ईयर का पेपर है तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी हमारे, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं इसमें लेके आऊँगी और उन्हें सॉल्व करवाऊँगी किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें डैश है, क्या है, हमारे ऑप्शन दिए हैं बल, गुरुत्व, संवेग या ऊर्जा, तो क्या है इसमें, तो इसमें है क्या, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 16 जनवरी 2018 को उच्चतम न्यायालय ने 2010 में कौन सी एनजीओ द्वारा दायर की गई याचिका में अंतरजातीय विवाह को चुनने वाली वयस्कों पर हमलों तथा हस्तक्षेप को बिल्कुल अवैध घोषित किया था, किसको, देखते हैं ऑप्शन, प्रथम शक्ति वाहिनी, गूंज या सम्मान, तो किसको किया था, शक्ति वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो देखते हैं कौन, हमारा ऑप्शन है अवरक्त, ब्रह्मांडीय, गामा, परावैगनीय, तो ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक जो परावैगनीय किरणें होती है ना उनसे हमारी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel ने में डैश डेटा को वर्कशीट में देखने में आकर्षक फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है जो कि डाटा के संश्लेषण और तुलना में सहायता करता है, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, मेल मर्ज, आउटलाइन, सारणिया, तुम्हारा जो राइट आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं कि 2017 में माइकल करिक ने प्रीमियर लीग टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की कप्तानी की, नेक्स्ट है सर्गियो गार्सिया ने गोल्फ 2017 ANA इंस्पिरेशन जीती, नेक्स्ट है वर्ष 2018 में IPL नीलामी में कोलकाता नाइट राइट ने अक्षर पटेल को रिटर्न किया है, हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो हमारा इसमें सिर्फ देखा जाए तो ऑप्शन ए केवल इसमें सही है, फर्स्ट वाला, बाकी जो है वो गलत है। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमारे 14 तारीख को पिछले साल 14 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में SSC CHSL वाला,
तो उसमें पूछे गए थे। और फ्रेंड्स इनमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, नो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो जब मैं इसका सिलेबस पूरा कवर करवाऊंगी तो इसके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी कि किस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं और कौन किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।